हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। हर जितने एलिमेंट को हम जानते हैं उनका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो जो एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में रखेंगे, क्या बोला था लवाइजर? क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। लवाइजर ने सारी एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया था। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल आर द वन व्हिच हैव अ टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन। मेटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, जैसे Na, Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और खुद बन गया Na प्लस। K ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और बन गया K प्लस। फिर आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल आर द वन व्हिच हैव टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल आर द वन विच हैव टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जिसमें नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे F फ्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, F माइनस बन गया। सी क्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, F प्लस इलेक्ट्रॉन किया, गेन किया और Cl माइनस बन गया। लवाइजर क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक भी है जिसकी वजह से ये फेल हो गई। ड्रॉबैक क्या है? एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस क्लासिफिकेशन बिकम इनसफिशिएंट फॉर स्टडी। जैसे जैसे एलिमेंट इंक्रीज करने लगे वो इनसफिशिएंट हो गया हमारी स्टडी के लिए, क्योंकि उन्होंने सही वे में नहीं समझाया था। फिर दूसरी बात ये थी, लवाइजर ने मेटल और नॉन मेटल को अपनी क्लासिफिकेशन में रखा था लेकिन मेटलॉइड्स को नहीं रखा था। लवाइजर कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस द मेटलॉइड्स। फर्स्ट था लवाइजर क्लासिफिकेशन, सेकंड है प्राउट्स हाइपोथेसिस। प्राउट्स ने ये हाइपोथेसिस 1815 में दिया था। इन्होंने सिंपली अज्यूम किया था कि हर एलिमेंट हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि V एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू N इनटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट जो है N इनटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम होगा। तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? वन होता है। वेयर N क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो इस हाइपोथेसिस का भी ड्रॉबैक आ गया। वो ड्रॉबैक क्या था कि हर एलिमेंट हाइड्रोजन का बना हुआ नहीं होता है। एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन। और हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट होल नंबर में नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का 35.5 होता है, स्ट्रॉन्शियम का 87.6 होता है। फर्स्ट था लवाइजर क्लासिफिकेशन, सेकंड था प्राउट्स हाइपोथेसिस, थर्ड है डब्रेनियन ट्रेड रूल। इन्होंने ये रूल 1817 में दिया था। He made group of three element having similar chemical properties called trade. इन्होंने तीन एलिमेंट के ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनका ग्रुप बना लिया था। तो क्या बोला था? ट्रेड। एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। मिडिल वाले का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल था, एवरेज एटॉमिक वेट के इक्वल था। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना? 35.5। ब्रोमीन का कितना है? 80। आयोडीन का 127। इन दोनों का क्या लिया हमने? एवरेज एटॉमिक वेट दिखता आया 81.2, जो कि किसके इक्वल है? 80 के नियरली इक्वल है। दूसरा एग्जांपल लिए कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40। स्ट्रॉन्शियम का कितना है? 87.6। बेरियम का 137। एवरेज एटॉमिक वेट लेंगे फर्स्ट और थर्ड वाले का 40 और 137 का 88.5, नियरली इक्वल आ गया। ऐसी अदर एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और पोटेशियम आर्सेनिक और एंटीमनी। ड्रॉबैक इसका, इस रूल का ड्रॉबैक क्या था कि ये डी और एफ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ एलिमेंट। हाँ, तो नेक्स्ट है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, 1865 में दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था? ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था उसके एटॉमिक मास को देखते हुए। फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? ऑब्जर्व द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने देखा कि हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। तो हम देखते हैं लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अगर हम लिथियम को फर्स्ट मान लें, लिथियम को फर्स्ट माने तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो एट आता है सोडियम, तो एलआई लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम इसको फर्स्ट मान लें तो बेरिलियम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के सेम है। इसको फर्स्ट मान लें तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बोरोन की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के सेम है। ऐसे ही हम देखेंगे कि हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट, हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट एलिमेंट के सेम एलिमेंट जैसी है, सेम है। तो इसका लेकिन ड्रॉबैक आ गया, क्या ड्रॉबैक क्या आया, वैलिड अप टू कैल्शियम, बस ये कैल्शियम तक ही वैलिड हो रही थी, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल नहीं फॉलो हो रहा था। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इनर्ट गैस तो हमने लिखा ही नहीं, तो एट दैट टाइम इनर्ट गैस वर नॉट नोन, एट दैट टाइम इनर्ट गैस वर नॉट नोन, उस वक्त इनर्ट गैस का इन्वेंट नहीं हुआ था, इस वजह से इनर्ट गैस नहीं लिखी गई। अब हम आएंगे लोथर मेयर कर्व पे। लोथर मेयर कर्व कब दिया गया, 1869 में। इन्होंने एक कर्व बनाया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। इस कर्व में क्या बताया था हमें, कर्व में ये बताया था कि टॉप पोजीशन जो होती है उसमें अल्कली मेटल्स आते हैं। अल्कली मेटल क्या क्या होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये टॉप पोजीशन पे अल्कली मेटल्स आते हैं। बॉटम पोजीशन पे ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, क्या, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, डी एंड एफ को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। फिर असेंडिंग में हैलोजन्स आते हैं, किसमें, असेंडिंग में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में जाएंगे, तो इस वाले डायरेक्शन में हैलोजन्स आएंगे, इस वाले डायरेक्शन में हैलोजन्स आएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, असेंडिंग में इस वाले डायरेक्शन में क्या हैलोजन्स आएंगे, और जब नीचे आएंगे हम तो अल्कलीन अर्थ मेटल आएंगे, अल्कलीन अर्थ मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम पे स्टार्ट। अब हम आते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पे। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कब दी गई थी, 1869 में दी गई थी। इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दी थी जो कि एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। 63 एलिमेंट वर नोन एंड नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस वक्त जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उस वक्त 63 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए थे, नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड द पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रो होती है, इसे क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कितने दिए थे, सेवन थे ये। फिर वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, इसको ये कितने थे, एट थे वर्टिकल, ये वर्टिकल था, इसे क्या बोला था हमने, ग्रुप, ये वर्टिकल है। कितने थे, एट पीरियड, एट ग्रुप थे। फिर द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट द सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो सेम प्रॉपर्टीज रखते थे। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको मेंडेलीव ने पहले ही पोजीशन और उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जबकि वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उस वक्त, और उनकी जगहों को, उनको, उनकी स्पेस को ब्लैंक करके छोड़े चले गए थे। जो बाद में इका बोरोन कहा था, इका बोरोन बाद में स्कैंडियम बन गया, इका एल्युमिनियम कहा था, इका एल्युमिनियम बाद में गैलियम में डिस्कवर्ड हो गया, इका सिलिकॉन जो जर्मेनियम में डिस्कवर्ड हो गया, और इका मैग्नीशियम जो टेक्नेटियम में जाके डिस्कवर्ड हो गया। अब हम आते हैं डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पर। मेंडेलीव की डीमेरिट्स क्या थी, पहली डीमेरिट थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने नहीं बताया था। हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन। अल्कली हाइड्रोजन जो है दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, अल्कली मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखता है, हैलोजन की, इसलिए उन्होंने पोजीशन डिस्क्राइब नहीं कर पाए किसकी, हाइड्रोजन की। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, उन्होंने आइसोटोप की प्लेस को मेंशन नहीं करा। फिर तीसरी डीमेरिट थी कि लाइक एलिमेंट वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, प्लैटिनम हो गया और गोल्ड हो गया, ये वो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लेकिन इन्होंने इसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था, डिफरेंट ग्रुप, बट वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। फिर चौथी डिमेरिट ये थी कि एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, क्या था एनोमलस पेयर, एलिमेंट हैविंग मोर एटॉमिक वेट प्लेस बिफोर द एलिमेंट हैविंग द लेस एटॉमिक वेट। एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है वो बाद में आता था, लेकिन इन्होंने कुछ एलिमेंट ऐसे रख दिए जिसमें एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है वो पहले आ गया, और कुछ जिसका एटॉमिक वेट कम है वो बाद में आया, जैसे आर्गन
कि पोटेशियम, इन्होंने आर्गन को पोटेशियम को पहले रख दिया था, आर्गन को बाद में, टीई आई टी एच पी ए कोबाल्ट और निकल। फिर जैसे इसकी हमने ट्रिक बना ली है, क्या ट्रिक बना ली है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, ये ट्रिक बना ली है हमने। इन्हीं को क्या कहते हैं हम, इन्हीं पेयर को कहते हैं एनोमिलस पेयर, इन्हीं पेयर को हम कहते हैं एनोमिलस पेयर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अपना डाउट जरूर पूछें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम सेकंड पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे।